लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। केसरिया प्रखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, ठेकहा में स्थित गंडक नदी जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण कटाव निरंतर जारी है। आए दिन 5 फीट 10 फीट नदी के किनारे कटाव हो जा रहा है। वहीं कटाव तेज होने के कारण तटबंध के पास बसे गांव के लोग काफी दहशत में हैं। अड़हान पंचायत के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के लोग जीवन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय प्रशासन के संवेदनशील रवैये से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करी। वहीं गंडक नदी में कटाव तेज हो गया और कटाव होने के कारण तटबंध के पास बसे गाँवों के लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ बता दें कि पिछले 2 दिनों से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने व बारिश से प्रखंड क्षेत्र के दियारवर्ती लोगों में बेचैनी बढ़ चुकी है। देखें यह रिपोर्ट। आज केसरिया प्रखंड के ठेकहा स्थित बाढ़ क्षेत्र में हम पहुँचे हैं। यहाँ बाढ़ की काफ़ी भयावह स्थिति है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ बाढ़ तूफान मार रही है। नदी में कटाव तेजी से हो रहा है। इस संदर्भ में यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं और हर साल की तरह इस साल भी पहले से ज़्यादा इस साल भी पीड़ित है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। इसका निदान कैसे निकलेगा? कौन सा काम होगा तब होगा। अभी जो जेसीबी लगा हुआ है इस संदर्भ में हम यहाँ के पूर्व सरपंच से बात करते हैं। हर साल ऐसा पहले विभाग पाता था क्योंकि हम गाँव की नदी का 150 मीटर दूर आ गया है। हम पहले कह रहा था विभाग की दूर है, अब नज़दीक आ गया है तो जेसीबी से काम करवा रहे हैं। हर रोज के रोज पर ये जेसीबी से जो काम हो रहा है ये मतलब इससे बचाव की कुछ उम्मीद है? ना ना कोई उम्मीद नहीं। सुबह में काम हुआ है, सुबह उधर फट गया। सुबह काम हुआ है तो अभी फट गया है। रोज काम तीन रोज से काम हो रहा है। बचाव बहुत यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का क्या रोल है? ना कोई इसमें हल नहीं, कोई रोल नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक जी की तरफ से जिस संदर्भ में पहल किया गया है और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ संसद पर ही 3 जेसीबी लगाए गए हैं बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ के कटाव को रोकने के लिए। और यहाँ हम जानकारी लेते हैं क्या नाम है पहले भी आती है, बार बार आती है, लेकिन इस साल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना करीब आ गया है कि गांव लगभग 200 मीटर बच गया है, 200 मीटर बच गया है। इतना ना भयावह स्थिति है यहाँ के लोगों को, गांव छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इससे बचाव के लिए क्या करना पड़ता है? इससे बचाव के लिए ऊपर के अधिकारी लोग ने आए हुए थे, इस पर आकर ये लोग देखे हैं, इसमें काम लगा हुआ है।
काम लगा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। इस संदर्भ में मतलब और इससे बेहतर काम और, और इससे बेहतर होगा, इससे और बेहतर होगा, जिससे गांव बच सकता है, गांव बच सकता है, इससे और बेहतर होना चाहिए, जिससे गांव बच सकता है, गांव के लोग बच सकते हैं और गांव की आबादी बच सकती है।